अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीर? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको अपने जमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बहुत मज़ेदार सा मज़ेदार कुछ बनाने लगे हैं। तो मज़ेदार क्या है, पंजाबी बना है, पिनियाँ, यानी पिनियाँ कहते हैं पंजाबी में उससे, गाँव वगैरह में ज़्यादातर, लेकिन राइस लड्डू इसके अले। तो चले फिर उसकी रेसिपी नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है वो आपको मिले, और इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हम ज्वाइन करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूज़, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मेन जो इसमें वो इंग्रेडिएंट है ये राइस है। मेरे पास ये था, मैंने खुद से तो नहीं बनाया, ये है क्योंकि घर में बनाने में तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये मेरे पास साथ में ये डाल रही हूँ, इसका राइस लूँगी। और उसके अलावा ये मेरे पास मूँगफली है, और ये काजू है, बादाम है, अंगूर है, और किशमिश है, और ये खोपरा है, और घी है इसमें। घी ज़ाहिर है आपको पता है, घी डालेगा, घी डालेगा, ये जो होता है प्योर घी वो। तो बस ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं राइस जो है ना इसको करती हूँ फ्राई। मैं यहाँ पे ये ना जो चावलों का आटा है इसको मैं करूँगी इसमें थोड़ा सा ब्राउन। तो मैं इसमें असल में तो ये घी में करते हैं, जो मैंने अम्मी को देखती थी वो घी में करते हैं, लेकिन मैं इसको घी के बगैर करूँगी। तो उसके बाद मैं घी डालूँगी, क्योंकि इस तरह फिर घी बहुत ज़्यादा डाल जाएगा। और साथ साथ ये भी बता दूँ कि जितना आपके पास आटा हो उससे थोड़ा सा कम आप दूध डालेंगे, बराबर बराबर नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बराबर डाल लें, लेकिन अगर घी कम खाते हैं तो वो अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बगैर उसके हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा करना, गोल्डन सा करना, ठीक है? तो मैंने ये सादा पैन के अंदर डाला है, तो मैं इसे मीडियम पे ना नाम नाम से इसको ब्राउन करती हूँ, ठीक है? ओके व्यूज़, तो ये देखिए मैंने आटे को जो है ना राम राम से हल्की आंच पे जो है ना इसको मैंने ब्राउन सा कर लिया, ब्राउन तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ब्राउन, उसका कच्चापन जो है ना वो खत्म कर लिया। तो चले वो आ गए, बताती हूँ क्या हो गया। ओके व्यूज़, तो अब यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैं ड्राई कर सकती हूँ, रस कर लूँगी वो, और थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा भी कर लूँगी। अब ये देखिए थोड़े से घी हो गए, तो अब मैं इनको जो है ना चौपट में डाल के ना दादर से क्या कहते हैं उसे दरदरे से इसको वो कर लेती हूँ, ठीक है? फिर इसमें डाल देती, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना हमें, ठीक है? चलो जी। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये ऐसे दरदरे से मैंने किया, दरदरे से, हाँ यही कहते हैं, हाँ मुश्किल। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये सारा ड्राई फ्रूट और जो भी चावलों का आटा है उसे ब्राउन करके मैंने मिक्स कर लिया। तो बस अब आगे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका पानी लिया है तो मैं ये गोल ले रही हूँ, मैंने बताया था ना जितनी आपको जरूरत हो आप उस हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। तो अब इसका हम पकाते हैं, इतना भी दूध जो है वो अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा पक जाए, तो बस फिर इसमें हम क्या करना है आगे से मैं बता रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ये इलायची ना ग्रीन इलायची जो इसका मैं हाफ टी स्पून जो है वो इसमें पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो वैसे डाल दें, ये ऑप्शनल है। ये खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ, तो उसकी स्मेल आएगी इसमें, फिर नहीं है ना ये जो राइस लड्डू है, तो आप चाहे डाल लें चाहे ना डालें, डालेंगे तो अच्छा है। और दीदी तो ये देखिए तो ये हमारा दूध जो है वो नाइट हो गया अच्छी तरह से, तो बस अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो बस फिर हमारी बननी पीनी। और साथ ही मैं यहाँ पे घी जो है वो मैं आपको बताया था ना इसमें प्योर घी है, तो उसको भी मेल्ट करके मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं डाला कि उस तरह ज़्यादा डालता है, तो इस तरह डालने से ये होगा कि आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है? चलो फिर व्यूअर्स, तो ये मेरे पास जो गुड़ और वो वगैरह सारा कुछ है इसको मैं इसमें डाल के तो ये कर देते हैं हॉट है। तो अब इसको आराम आराम से फ़ौरन हाथ नहीं लगाना, ठीक है? इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे इसके साथ, तो जब ये थोड़ा मिक्स होगा फिर इसके लड्डू बनाएंगे, लेकिन ये है कि गर्म है यहाँ पे हाथ नहीं लगाना। ओके व्यूज़, तो अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गर्म को नहीं लेकिन नॉर्मल जब हो जाए तो आप इसको बनाना शुरू कर दें, ये ऐसे छोटे छोटे से राम राम से। ओके व्यूज़, तो ये देखे मैंने बना लिए सारे, काफ़ी डिफिकल्ट है, जब एंड में रह गए तो काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब ये है कि मैं पानी लगा लगा के इसको बना रही हूँ, तो बस ठीक है बनिए, मैं अब आपको बताते हैं कि बस खाने के। ओके व्यूअर्स, तो ये बना ली हमने मजेदार सी क्या कहते हैं इसे राइस पुलाव,
राइस लड्डू या पिन्नी कह ले, ठीक है। तो मैंने तो बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है, पिन्नी हाथों से ही है, लेकिन मेरे हाथों का ख्याल हो गया। तो चले फिर आप भी अपना खाएं खिलाएं, एंजॉय करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ट्विटर पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।